हेलो टू ऑल माय लिटिल जेम्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो और मौज करो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। सो एज ऑल वी नो कि जो अर्थ है वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से घिरा हुआ है, राइट? अब प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको पता ही है बहुत सारे वैरायटीज़ के हैं, राइट? तो उनमें क्या है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, सबके अपने अपने फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल इन द फूड, राइट, इन द फीडिंग हैबिट्स, नेस्टिंग हैबिट्स में जहाँ वो रहते हैं, कोई कहीं रहता है, कोई वाटर के नीचे रहता है, कोई लैंड पे रहता है। तो सो देयर आर वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ, राइट? तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे उनके फीचर्स के बारे में कि वो उनके वेरिएशंस के बारे में। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद हैबिटेट। एनिमल्स लिव एवरीवेयर ऑन द अर्थ। द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स और इट्स फाउंड इज नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो वो प्लेस, वो लोकेशन जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। ओके, अब 5 मेन हैबिटेट्स होते हैं। जो क्लासिफिकेशन है हैबिटेट का वो 5 मेन होते हैं, ठीक है? जैसे फर्स्ट है फॉरेस्ट, सेकंड डेजर्ट, पोलर रीजन, ओशन एंड फ्रेश वाटर। सो ये सारे क्या है, 5 मेन हैबिटेट्स हैं, लोकेशंस हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 5 मेन हैबिटेट्स के बारे में। तो पहला हैबिटेट है फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट इज अ वास्ट रीजन डेट इज कवर्ड डेंसली बाय ट्रीज एंड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। तो जो फॉरेस्ट है वो एक बहुत ही वास्ट रीजन है, राइट? बहुत ही वास्ट रीजन है जो कि बहुत ट्री से घिरा हुआ रहता है, ट्री से कवर हुआ रहता है। तो एनिमल्स क्या करते हैं, अपने शेल्टर के लिए फॉर द सर्वाइवल फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे लायन, टाइगर, डियर, फॉक्स, मंकी। सो विच लिव ऑन लैंड एंड ट्रीज, जो कुछ ट्रीज पे रहते हैं, कुछ फॉरेस्ट के अंदर लैंड पे रहते हैं। इट ऑल्सो गिव शेल्टर टू एनिमल्स लाइक हेयर, रैट एंड स्नेक। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बहुत ट्रीज में भी रहते हैं, बर्रोज करके भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं। तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट में अपना शेल्टर ढूंढते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन अ फॉरेस्ट। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, आपको बहुत एनिमल्स फॉरेस्ट में मिल जाएंगे। अनदर टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग इज फर। तो कुछ एनिमल्स क्या होता है, उनका जो बॉडी कवर होता है ना वो फर से होता है, राइट? फर से होता है। एनिमल्स लाइक यक, बियर, शीप, तो इनमें क्या होता है, शीप में भी क्या होता है, इन सब शीप, बियर, यक, इन सब में क्या होता है, फर की बॉडी कवरिंग होती है जो क्या करती है, उन एनिमल्स को वॉर्म प्रोवाइड करती है, उनका प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट रेन एंड कोल्ड। कोल्ड में, रेन में उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करता है, फर करता है, उनकी एक बॉडी कवरिंग होती है। एनिमल्स लाइक स्नेक, लिजर्ड, सम फिशेस हैव अ लेयर ऑफ ड्राई एंड ओवरलैपिंग स्केल्स। तो क्या होता है, कुछ लिजर्ड्स हैं, स्नेक हैं, फिश है, उसमें क्या होता है, स्केल्स मिलते हैं। ओके, अब स्केल्स क्या क्या करते हैं, स्केल्स उसका पहला फंक्शन तो ये होता है, जो स्केल्स के नीचे जो स्किन होती है ना वो उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, और लॉस ऑफ वाटर को बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं, जिससे वाटर का ज़्यादा लॉस ना हो जाए। उसे क्या होगा, अगर वाटर का ज़्यादा लॉस होगा ना तो देयर इज़ अ चांसेस कि एनिमल्स जो हैं वो मर ना जाएं। अनदर कॉमनली फाउंड बॉडी कवरिंग इज शेल। एक और ऐसी बॉडी कवरिंग है शेल, ठीक है, ये भी एक बॉडी कवरिंग है। इट इज़ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर एग्जाम्पल टर्टॉइस, टर्टॉइस का आपने देखा होगा, टर्टॉइस, टर्टल, स्नेल, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं शेल बॉडी कवरिंग के। ये क्या करते हैं, एनिमल्स अपने जो हेड और जो फीट है, हेड एंड फीट इन टू द शेल, उस शेल के अंदर हाइड कर लेते हैं, जिससे वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द एनिमीज, उनके एनिमीज से बचाव करने के लिए वो शेल में छुप जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फीडिंग हैबिट्स। तो फीडिंग हैबिट्स क्या है, सो देर आर मेनली 3 मेन फीडिंग हैबिट्स, दैट इज हर्बीवोरस, ओके, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस। तो इन 3 फीडिंग हैबिट्स के बारे में हम मेनली डिस्कस करेंगे।
As all we know, all organisms need food for the growth and development, है ना. जितने भी organisms हैं अर्थ पे, या जितने भी organism हैं, जैसे आपको खाने की ज़रूरत पड़ती है ना एनर्जी के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वैसे ही एनिमल्स को ज़रूरत पड़ती है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट की लिए फूड की, राइट. तो हम मेनली 3 फीडिंग हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स. तो क्या होता है, जो हर्बीवोर्स, हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को फीड करते हैं, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं. उनमें क्या होता है, शार्प फ्रंट टीथ होता है कॉल्ड इंसाइजर्स फॉर बाइटिंग, एंड ब्रॉड टीथ कॉल्ड मोलर्स एंड प्री मोलर्स फॉर च्यूइंग फूड. तो उनमें कौन से टीथ होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं फॉर देयर बाइटिंग पर्पस, ओके, मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं फॉर च्यूइंग फूड. काउ, गोट, डियर, जिराफ और सम हर्बीवोरस. तो क्या होता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, आपके सब के ना एग्जाम्पल्स, आपको एटलीस्ट 2 या 3 आप एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा, ओके. अब इसमें देखिए टीथ कौन से होते हैं, इंसाइजर्स, मोलर्स एंड प्री मोलर्स. अब इनमें क्या होता है, हर्बीवोरस में कैनाइंस नहीं मिलते हैं, जो हम आगे स्टडी करेंगे. कैनाइंस मेनली फ्लैश, जो एनिमल्स जो फ्लैश के ऊपर फीड करते हैं ना, उनके लिए होते हैं. अब हम देखते हैं कार्निवोर्स. तो कार्निवोर्स के एग्जांपल्स क्या हैं, लाइन, टाइगर, कैट, फॉक्स, वो एनिमल्स हैं जो फ्लैश होते हैं ना, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. एनिमल्स का जो फ्लैश होता है उन पर फीड करते हैं. इनके पास क्या होते हैं, कैनाइंस होते हैं, ठीक है. क्या होता है, वो शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं कैनाइंस, दैट हेल्प देम टू टियर फ्लैश, जो कि फ्लैश पे फीड करने के काम आते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग मोलर्स फॉर च्यूइंग फ्लैश एंड बोन्स. तो इनके पास भी मोलर्स होते हैं. क्या होता है, आप एनिमल्स को फ्लैश खाएंगे जब उनमें बोन्स भी होगा, राइट. तो बोन्स को आप खाने के लिए तो उनको क्या, स्ट्रॉन्ग टीथ की ज़रूरत है. तो वो क्या होते हैं, मोलर्स फॉर च्यूइंग द फ्लैश एंड बोन्स. अब कार्निवोरस का एक सब टाइप बोल सकते हो आप, उसे हम बोलते हैं स्केवेंजर्स. स्केवेंजर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे वल्चर, वुल्फ, हाइना और स्पेशल टाइप ऑफ कार्निवोरस दैट फीड ऑन डेड और डिकिंग एनिमल्स. अब क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं ना, एज ऑल वी नो कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनिज्म हमेशा नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता, उसे कभी ना कभी तो मरना ही है, राइट. तो ऐसे एनिमल्स जब मर जाते हैं, जब वो जो उनकी डेड बॉडीज़ होती है वो डिके हो जाती है, या जो डिकिंग डेड बॉडीज़ होती है ना, उसमें स्केवेंजर्स जैसे वल्चर, ये सब जो एनिमल्स हैं वो उन पर फीड करते हैं. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अ बैलेंस इन नेचर बाय प्रिवेंटिंग एक्युमुलेशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ एनिमल. अब इसका क्या मतलब है, देखो, स्केवेंजर्स का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है हमारे नेचर में, कि वो हमारे नेचर को बैलेंस कर लेते हैं, राइट. अब क्या होता है, अब एनिमल्स तो मरेंगे, अब जी रहे हैं तो मरेंगे भी, राइट. अब मरते जाएंगे, अब सोचो आप कि बहुत सारे एनिमल्स मर रहे हैं, और ऐसे कितने एनिमल्स हमें डेड बॉडीज़ मिलेगी उनकी, अब उनको भी तो डिके होना चाहिए कि नहीं. तो उसके लिए स्केवेंजर्स हैं, जैसे नेचर को बैलेंस कर सकें. अब हम डिस्कस करेंगे ओमनीवोरस के बारे में, वो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स में भी फीड करती हैं और प्लांट्स में भी. जैसे एग्जांपल है मैन, बियर, क्रो एंड स्क्विरल. तो हम ओमनीवोरस में आते हैं, है ना. हम ओमनीवोरस में क्यों आते हैं, बिकॉज कुछ नॉन वेज भी खाते हैं, है ना. अब प्लांट्स, हम क्या, जो वेजिटेरियंस हैं वो मोस्टली प्लांट्स पे फीड करते हैं, जो नॉन वेज वाले हैं वो एनिमल्स को फीड करते हैं, राइट. तो वी आर ओमनीवोरस. देयर आर वैरायटी ऑफ मैन जो कि नॉन वेज भी होते हैं और वेज भी होते हैं. अब ये देखते हैं हम एक नॉलेज बैंक, इसमें क्या है, देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स विच इज़ नोन एज डिकम्पोजर्स. तो यहाँ क्या है, डिकम्पोजर्स भी एनिमल्स की कैटेगरी है, ओके. अब ये क्या करते हैं, दीज आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब देखिएगा, जो स्केवेंजर्स हैं वो एनिमल्स की डेड बॉडीज़ पे, है ना, फीड करते हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा था. डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स इज मेनली यूज फॉर बोथ प्लांट्स भी और एनिमल्स भी. अगर प्लांट भी हैं, आपने देखा होगा जब प्लांट, जब पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, वो सॉइल में जाके मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या, डिकम्पोज हो जाते हैं, राइट.
अब हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स। तो देर आर वैरायटी ऑफ ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स। सब अलग अलग जितनी भी वैरायटी है एनिमल्स के, सब अपने अपने ब्रीदिंग ऑर्गन्स यूज़ करते हैं, राइट। कोई गिल यूज़ करता है, कोई लंग्स, जैसे हम लंग्स यूज़ करते हैं। तो ब्रीदिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, एज ऑल वी नो। ड्यूरिंग ब्रीदिंग एन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। तो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग? मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड। मतलब ऑक्सीजन को हम ब्रीद इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रीद आउट करते हैं। द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी। अब हम ब्रीद इन क्यों करते हैं ऑक्सीजन को? बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक डाउन द फूड एंड रिलीज एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। तो जब हम ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं, तो जो हमारा फूड होता है ना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है, जो फूड है उसका ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी को रिलीज करता है, ATP को रिलीज करता है, जिससे वो अपनी बॉडीज़ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो सकें। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। इंसेक्ट्स एक्सचेंज द गैसेस थ्रू स्मॉल ओपनिंग। तो क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें पोर्स होते हैं, कुछ स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं ऑन द बॉडी सर्फेस, जिसे हम स्पेरिकल्स कहते हैं। अब हम देखते हैं गिल के बारे में। तो गिल भी एक ब्रीदिंग ऑर्गन है। अब हम पढ़ेंगे गिल। तो गिल इज़ अ ब्रीदिंग ऑर्गन जो कि फिश में मिलता है हमें, क्रैब में, टैटपोल, प्राउन, मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स में मिलता है, राइट। गिल्स हेल्प दीज एनिमल्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब क्या होता है, अब ये तो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब वो जो पानी में रहते हैं, राइट। अब पानी में क्या होता है, H2O, वाटर का क्या है केमिकल फॉर्मूला, H2O। तो H2O में ऑक्सीजन भी तो होता है, राइट। तो जो पानी है उसमें ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, गिल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हम ये भी देखते हैं, यहाँ पे भी नॉलेज बैंक। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स यूज द बॉडी सरफेस टू ब्रीद। तो कुछ कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है यहाँ पे? सो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब है यहाँ जो कि बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। वो ऑर्गेनिजम्स अपना बॉडी सरफेस यूज़ करते हैं, अपना स्किन यूज़ करते हैं टू ब्रीद। अब हम आगे चलते हैं। अदर एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स ब्रीद थ्रू देयर लंग्स। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं लाइक मैमल्स, जैसे हम लोग हैं, वो लंग्स यूज़ करते हैं एज अ ब्रीदिंग ऑर्गन। द फंक्शन ऑफ द लंग इज़ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विच इज़ इनहेल्ड थ्रू द नोज टू द ब्लड। जब हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे नोज के थ्रू जाता है, राइट। नोज के थ्रू, लंग्स के थ्रू ब्लड में जाता है ना, ब्लड में जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से ब्लड से रिलीज हो जाता है। यही हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा मैमल्स का ब्रीदिंग ऑर्गन क्या होता है? लंग्स। एनिमल्स लाइक फ्रॉग, टोड दैट स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ अंडर वाटर एंड पार्ट ऑफ इट ऑन लैंड आर एम्फीबियंस। अब क्या होता है, कुछ एम्फीबियंस एनिमल्स भी होते हैं, कुछ एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, जो कि अपना जो लाइफ है, जो अपनी लाइफ है, लाइफ स्पेंड है, वो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी। मतलब ये ना दोनों चीज़ों के मज़े लेते हैं, मौज करते हैं, वाटर में भी रहते हैं जब मन करता है, तब लैंड में भी रहते हैं। व्हेन यंग दीज एनिमल्स लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब जब वाटर में रहते हैं तो क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, उनका ब्रीदिंग ऑर्गन क्या बन जाता है, गिल्स। एज एडल्ट, अब देखिए क्या होता है, जब यंग होते हैं, है ना, जब एनिमल्स जब यंग होते हैं तो वो क्या, एक्वेटिक एनिमल बन जाते हैं, मतलब वाटर में रहते हैं। जब यंग होते हैं तो वाटर में रहते हैं, तो वो क्या, ब्रीदिंग ऑर्गन गिल्स यूज़ करते हैं अपना। और जब एडल्ट में हो जाते हैं, एडल्ट उड आ जाता है उनका, तो वो लंग्स यूज़ करते हैं ऑन लैंड। अब हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स। अनलाइक प्लांट्स, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जैसे हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, दे कांट मूव ना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट, दे कांट मूव। बट जो एनिमल्स होते हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे हम बोलते हैं लोकोमोशन। तो मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे हम बोलेंगे लोकोमोशन। एनिमल्स जो हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं लोकोमोशन।
जो प्लांट्स नहीं कर सकते हैं. इट नॉट ओनली हेल्प्स देम टू ऑब्टेन फूड एंड गेट शेल्टर बट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेंजर ऑफ प्रीडेटर्स और नेचुरल कैलेमिटीज़. अब आप देखिए, अब ये इधर से उधर क्यों जाते हैं, इधर उधर लोकोमोशन क्यों करते हैं, जैसे बच्चे हैं इधर से उधर जाते रहते हैं इधर से उधर, वैसे ये एनिमल्स क्यों लोकोमोशन करते हैं, फॉर द शेल्टर, अपना घर ढूंढने के लिए, राइट, फॉर द फूड, अपना फूड की सर्चिंग के लिए, कि खाने के लिए, शेल्टर के लिए उनको क्या लोकोमोशन करना पड़ता है. और कभी कभी प्रीडेटर्स मतलब जो उनका एनिमी होता है उनसे बचने के लिए भी, डेंजर से दूर रहने के लिए भी लोकोमोशन करना होता है. या तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कि वेदर ख़राब हो गया, राइट, अब वेदर क्या है, एक रीजन पे ही तो ख़राब होगा, तो ज़रूरी थोड़ी ना दूसरी प्लेस पे भी वेदर ख़राब भी हो, है ना, फ्लड आ जाए, ज़रूरी नहीं है एक जगह पे फ्लड आए तो दूसरे पे भी आ जाए, राइट. तो जहाँ जैसे फ्लड आए एक प्लेस पे, तो एनिमल्स क्या करते हैं, वो प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं. डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू मूव, लेट्स स्टडी सम ऑफ देम इन डिटेल. अब लोकोमोशन करते हैं तो ऑफकोर्स लोकोमोशन करते होंगे तो उनके कुछ बॉडी पार्ट्स होंगे जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, उनको मूव करने में हेल्प करते हैं. जैसे इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या यूज़ करते हैं, दे कैन वॉक, जंप, फ्लाई, हॉप और क्रॉल. जो हॉप है ना उसका मतलब होता है छलांग, ठीक है, सिमिलर टू जंप ओनली. तो वो वॉक भी करते हैं, जंप भी करते हैं, फ्लाई भी करते हैं, हॉप भी करते हैं, क्रॉल करते हैं, क्रॉल मतलब किसी चीज़ को घसीटना, राइट. बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज हैव वन और टू पेयर्स ऑफ विंग्स. जो बटरफ्लाइज होती हैं, मॉस्किटोज होती हैं, उनमें क्या होता है, वन और टू पेयर्स ऑफ विंग्स होती है, तो विंग्स के थ्रू इधर से उधर फ्लाई करते जाते हैं. चमटाइज लाइस एक्सेट्रा मूव बाय क्रॉलिंग. और जो लाइस वगैरह ये सब होते हैं एनिमल्स, वो क्रॉलिंग करते हैं. सिमिलरली आंट्स, कॉकरोचेज वॉक, ये कॉकरोचेज जो आंट्स वगैरह वो वॉक करते हैं. अब ग्रास हॉपर होप्स यूजिंग इट्स लॉन्ग हिंड लेंग्स. अब यहाँ देखिए हिंड लेंग्स क्या है, हिंड लेंग्स और फोलिंग्स आपने सुना होगा. तो हिंड लेंग्स क्या है, लेंग्स का जो लेग्स वाला पार्ट है उसे हम हिंड लेंग्स कहते हैं. जो ग्रास हॉपर्स होते हैं वो छलांग मारते हैं यूजिंग द हिंड लेग्स. एक्वाटिक इंसेक्ट्स लाइक बैक स्विमर एंड वाटर बोटमैन यूज द हिंड लेग्स टू स्विम. तो और जो एक्वाटिक इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कुछ बैक स्विमर वगैरह हैं, वो अपने हिंड लेग्स को की मदद से स्विम करते हैं. अब रेप्टाइल्स देखते हैं. रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल यूज वेरी फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, वेरीज फॉर्म्स ऑफ लेग्स यूज़ करते हैं, वेरीज फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन करते हैं. सम ऑफ देम हैव लेग्स एंड सम यूज देयर स्केली स्किन टू मूव बाय क्रॉलिंग. स्किन के थ्रू क्रॉलिंग कर कर के इधर से उधर चले जाते हैं, राइट. और कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने लेग्स के थ्रू लोकोमोशन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल हैव लेग्स एंड मूव अबाउट यूजिंग देम. द टर्टल्स और क्रोकोडाइल क्या लेग्स की मदद लेते हैं. स्नेक जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास लेग्स नहीं होते हैं, सो व्हाट दे यूज स्केल्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ इट्स बॉडी टू मूव. आपने देखा होगा जो स्नेक होते हैं उनमें स्केल्स होते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी की सर्फेस पे होते हैं. बिसाइड दीज आर स्ट्रॉन्ग मस्कुलर सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल बैकबोन एट इट इन मूविंग. अ टर्टल कैन स्विम इजिली यूजिंग इट्स लिम्ब. तो टर्टल वगैरह जो भी है वो लिम्ब्स के थ्रू, मस्कुलर सिस्टम के थ्रू इधर से उधर मूव करते स्विम कर सकते हैं. अब जो बर्ड्स होते हैं वो होप करते हैं वॉक. अब हमने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया, रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम देखेंगे बर्ड्स के बारे में, जो कि वॉक भी करते हैं लैंड में, स्विम कर सकते हैं वाटर में, फ्लाई कर सकते हैं इन एयर में. द फोलिम्स ऑफ अ बर्ड आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ विंग्स. अब क्या होता है कि कुछ एनिमल्स के फोलिम्स होते हैं, राइट, फोलिम्स होते हैं. अब हमारे जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स में क्या होता है, जो फोलिम्स होते हैं ना वो एज अ विंग होते हैं, उनकी फीचर्स क्या होते हैं, एज अ विंग होता है. दैट हेल्प देम टू फ्लाई, जो कि उन्हें फ्लाई करने में मदद करते हैं, जैसे क्रो है, स्पैरो है, ईगल, पैरेट एक्सेट्रा. और जो कॉमन बर्ड्स हैं जो कि स्काई में फ्लाई करते हैं, जो आपने देखे भी होंगे, सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, ईमू एंड कीवी आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स. क्या होता है, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनकी हैवी बॉडीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो उनकी विंग्स होती हैं ना वो मैनेज नहीं कर पाती उनकी बॉडी को, उनका भार नहीं उठा पाती है, राइट. तो उनके वीक विंग्स होते हैं इसलिए वो फ्लाई नहीं कर पाते. मतलब उनके विंग्स होते हैं, राइट, बट विंग्स की फंक्शन ये नहीं होता है कि वो फ्लाई करें. देयर इसलिए उसे हम बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स, जैसे ऑस्ट्रिच, ईमू एंड कीवी. बर्ड्स यूज द हिंड लिम्स और लेग्स टू वॉक, रन, कैच प्रे एंड इवन अटैक द एनिमीज. तो बर्ड्स क्या यूज़ करते हैं, हिंड लिम्स यूज़ करते हैं
जैसे वॉक करने के लिए रन, कैच प्रे, अपने एनिमी से फाइट करने के लिए. बर्ड्स लाइक डक, स्वैन एक्सेट्रा कैन ऑल्सो स्विम इन वाटर ड्यू टू देयर वेब फीड्स. तो क्या होते हैं, जैसे डक है स्वैम में क्या, तो वेब फीड्स होते हैं जिससे वो स्विम कर सकें. अब हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल, जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट, मैनी अदर्स हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स. मीनिंग क्या होते हैं, दो पेयर्स होते हैं लिम्स के. मोस्ट एनिमल्स यूज ऑल द फोर लिम्स टू वॉक, रन एंड फॉर द मूवमेंट्स. तो क्या होता है, सबके अपने अपने सारे अपने अपने एनिमल्स के जितने भी लोकोमोशंस करते हैं, दे हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द ओन जिससे वो लोकोमोशन कर सकें. किसी के टू पेयर्स ऑफ लिम्स हैं, किसी के फोर लिम्स हैं टू वॉक और रन. अब हम देखते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, जो कि जैसे टर्टल्स हैं, यूज़ देयर लिम्स टू स्विम. अदर लाइक फ्रॉग है, यूज़ देयर वेब फीट. वो वेब फीट यूज़ करते हैं, अपनी अपना मस्कुलर सिस्टम यूज़ करते हैं फीट के थ्रू इधर से उधर स्विम करने के लिए इन वाटर. फिश में क्या होते हैं, फिन्स होते हैं जिससे वाटर में मूव कर सकें. द फिन्स हेल्प फिश टू स्विम एंड मेंटेन बैलेंस इन वाटर. तो फिन्स क्या होते हैं, हेल्प फिश. जो फिश में क्या होते हैं, फिन्स होते हैं जिससे वो क्या कर सकें, बैलेंस कर सकें वाटर में. द टेल फिन हेल्प्स देम टू चेंज डायरेक्शन. और उनमें क्या होता है, टेल फिन भी होता है. आपने देखा होगा टेल फिन होते हैं कुछ फिशेज में, जो कि वो डायरेक्शन चेंज कर सकें अपने लोकोमोशंस की. अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक हमारा, माइग्रेशन ऑफ दिस चैप्टर. सो माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. सो माइग्रेशन भी क्या, एक लोकोमोशन का ही एक टाइप है, विच इज़ मेनली यूज फॉर द बर्ड्स. तो माइग्रेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन सीजन. तो क्या होता है, सीजन, कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जैसे ही सीजनल एनिमल्स होते हैं वो, जैसे कोल्ड सीजन है, विंटर सीजन है हमारा, तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जहाँ उन्हें ठंडक की ज़रूरत पड़ती है, कोल्ड रीजन की ज़रूरत पड़ती है. तो जहाँ पर विंटर होता है, विंटर सीजन होता है, वहाँ वो रहते हैं. जैसे समर हो जाता है, वो दूसरे रीजन में चले जाते हैं जहाँ ठंडक होती है. तो चेंजेस इन सीजन, हैबिटेट, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जब फूड अवेलेबल होता है वहाँ चले जाते हैं सीजन वाइज. दिस हैपेंस एट रेगुलर पीरियड्स ऑफ टाइम एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन. एनिमल्स माइग्रेट बिकॉज द कंडीशंस इन द हैबिटेट बिकम एडवर्स टू सपोर्ट लाइफ. अब देखिए, हम क्यों हैं यहाँ पे, फॉर द सर्वाइवल, राइट, फॉर अ सर्वाइवल. अपना पूरा बेस्ट क्यों देते हैं, फॉर आर सर्वाइवल, राइट. तो एनिमल्स भी अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन, जिससे उनको फूड की दिक्कत ना हो जाए, रहने की दिक्कत ना हो जाए. अगर कोई ऐसा एडवर्स कंडीशन आ जाता है, फॉर एग्जांपल फ्लड आ जाता है, या वेदर, ऐसा वेदर कंडीशन ख़राब हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं. मतलब इधर से उधर, एक रीजन से दूसरे रीजन चले जाते हैं. इधर द वेदर बिकम्स टू कोल्ड और टू हॉट, और द अवेलेबल फूड बिकम स्कर्ट्स. अब स्कर्ट्स का यहाँ मतलब क्या होता है, शॉर्टेज. इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड, अगर फूड की अवेलेबिलिटी कम होती है एक रीजन में, तो वो क्या करते हैं, दूसरे रीजन चले जाते हैं फूड की सर्चिंग में. मैनी टाइम्स एनिमल्स ऑल्सो माइग्रेट बिकॉज ऑफ नेचर क्लाइमिटीज लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट्स, फ्लड्स. तो क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स कुछ नेचुरल क्लाइमिटीज की वजह से माइग्रेशन करते हैं. Usually the word migration is more closely associated with the movement of birds. So birds जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक साल में दो बार migrate कर जाती हैं. During in spring and autumn season, birds usually migrate twice in a year. But only some birds migrate, not all. But कुछ ही birds ऐसी होती हैं जो इधर से उधर migrate करती हैं according to their food habitat. द बर्ड्स डेट माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स. और जो वो बर्ड्स जो माइग्रेशन करती हैं उसे माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं. और जो बर्ड्स जो माइग्रेट नहीं करती हैं, मतलब एक ही रीजन में मिलती हैं, उसे रेजिडेंट बर्ड्स कहते हैं. द मेन रीजन बिहाइंड द माइग्रेशन इज टू एस्केप कोल्ड वेदर कंडीशन एंड टू फाइंड फूड. तो मेन रीज़न क्या होता है इधर से उधर जाने का, वो होता है कोल्ड वेदर कंडीशन जो होता है, या फिर बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन होता है, उनसे बचने का, प्रोटेक्शन करने का. दे कम बैक टू द ओरिजिनल हैबिटेट टू ईच ईयर. क्या होता है, एक रीजन से दूसरे रीजन चले गए, जब सीज़न बदला, उसके बाद जब वापस, फिर उस पर जब वापस वही सीज़न, नॉर्मल सीज़न हो जाता है, नॉर्मल वेदर कंडीशंस हो जाते हैं, वो वापस अपने रीजन में आ जाते हैं, अपने घर लौट आते हैं. माइग्रेशन डक्स एंड गीस ऑफन फ्लाई इन वी शेप फॉर्मेशन विच हेल्प्स देम इन सेविंग एनर्जी. वो कि वी शेप फॉर्मेशन करके सारी बर्ड्स इधर से उधर जा रही है एक रीजन टू दूसरे रीजन में, संभवतः माइग्रेशन. तो वो वी शेप में क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ
because to save the energy. Besides birds, some other animals like caribou, एक some bats हो गए, whales हो गए, वो भी migrate करते हैं in search of the food. Among insects, butterflies, moths also migrate. So ये सारे के सारे कुछ animals होते हैं जो कि इधर से तो migrate करते हैं. ठीक है, monarch butterfly है जो कि क्या करती है, कैनेडा से मेक्सिको जाती है इन विंटर. तो जब मैं छोटी थी, एक्चुअली मैं सोचती थी कि इन बर्ड्स का, जब हम छोटे में होते हैं हमें इतनी समझ नहीं होती है, राइट. तो मैं जब छोटी थी ना, तो आई जस्ट सी द बर्ड्स एंड थिंक दैट कि इधर से उधर जाते हैं आराम से, कितने माइग्रेशन में आराम से फ्लाई करते करते, पूरी मौज ले लेके, ना उनका कोई कॉस्ट इशू होता है, ना कुछ इशू होता है. और हमारा क्या होता है, ह्यूमंस का क्या होता है, हमें कहीं जाना होता है तो हमें सब कुछ मैनेज करना होता है, राइट. हमें हर चीज़ देखनी होती है, अपना कॉस्ट, अपना घर, सब कुछ. और बर्ड्स को क्या, आराम से जब मन किया, उनको लगा कि सीज़न, वेदर कंडीशन सही नहीं, इधर से उधर चले गए. हाँ, बट अब हम बड़े हो गए हैं, अब पता चलता है कि उनकी मजबूरी होती है, राइट. वरना तो आई थॉट दैट कि जो बर्ड्स होते हैं वो कितने बिंदास रहते हैं, कि मतलब फ्लाई करते हैं, आप भी दिखते हो आपको कितना अच्छा लगता होगा, फ्लाई कर करके इधर से उधर जाते हैं, और बिना कोई कॉस्ट के, बिना कोई पैसा वैसा उन्हें नहीं देना पड़ता, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, वो इधर से उधर आराम से घूमते हुए जाते हैं, सब इधर उधर देखते हुए जाते हैं, मौज लेते हुए. बट हाँ, उनकी एक मजबूरी होती है. सो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है. ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर मैं नेक्स्ट डे में डालूँगी, मे बी टुमारो. सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग. थैंक यू.